ओम सर्व मंगलम इति शुभम। श्री सिद्धि चैनल आपका स्वागत करता है। आज का विषय है चतुर्मास कर्म विधान। देवर्षि नारद ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, चतुर्मास को विशेष पुण्यदायी क्यों माना जाता है? हे महेश्वर, चतुर्मास के नियम क्या हैं एवं उनमें किए जाने वाले त्याग संकल्प का क्या पुण्य फल है? हे देवाधिदेव, यह भी बताने की कृपा करें कि पृथ्वी पर चतुर्मास नियम का पालन करने से अनंत फल की प्राप्ति किस कारण से होती है? तब महादेव जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे देवर्षि, चतुर्मास में जब पृथ्वी के पालन करता श्रीहरि शयन कर लेते हैं, तब मनुष्य द्वारा किए जाने वाले पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही पृथ्वी की कली से रक्षा होती है। इसलिए श्री हरि के शयन के अंतराल में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले पुण्य कर्म कोटि गुना फल प्रदान करने वाले होते हैं। इस समय मनुष्य द्वारा श्री हरि के लिए जिन वस्तुओं का त्याग किया जाता है, वे सभी त्याग अक्षय होकर मनुष्य को यह लोक एवं परलोक में भी सुलभ हो जाते हैं। मनुष्य को उन वस्तुओं का पुण्य फल के प्रभाव से प्रचुर भोग प्राप्त होता है। तब नारद जी ने पूछा कि हे महेश्वर, कृपा कर बतावें कि किस त्याग से किस फल की प्राप्ति होती है? वे कौन से कर्म हैं जो चतुर्मास में पुण्य फलदायी होते हैं और वे कौन से निषिद्ध कर्म हैं जो चतुर्मास में नहीं करना चाहिए, जिसे करने से रण और नरक की प्राप्ति होती है? तब महादेव जी बोले, हे देवर्षि, जो मनुष्य श्री हरि के निमित्त 4 महीनों के लिए घी का त्याग करते हैं, वे दीर्घायु जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार जो शक्कर का त्याग करते हैं, वे ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। गुड़ का त्याग करने वाला तेजस्विता प्राप्त करता है एवं फल का त्याग करने वाले बहुत से पुत्र प्राप्त करते हैं। दूध का त्याग करने वाले आरोग्यता प्राप्त करते हैं एवं जो मनुष्य सुगंधित तेल का त्याग करते हैं, उन्हें दीर्घायु संतान एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तांबूल अर्थात पान का त्याग करने वाले जीवन पर्यंत अनेक भोगों को प्राप्त करते हैं। मधु का त्याग करने वाले मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 4 महीनों के लिए दही का त्याग करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। चतुर्मास में प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला मनुष्य अग्निष्ठ होम यज्ञ के पुण्य फल का भागी होता है। पलाश के पत्ते में भोजन करना चंद्रायन व्रत के फल को प्रदान करता है। इसलिए जो मनुष्य चतुर्मास में पलाश के पत्ते में भोजन करता है, उसे स्मरण शक्ति एवं चमत्कारिक बुद्धि प्राप्त होती है। चतुर्मास में पृथ्वी पर भोजन और शयन करने वाला मनुष्य राज ऐश्वर्य का स्वामी होता है। नित्य तुलसी दल से श्रीहरि का पूजन करने वाला वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। चतुर्मास में कांसे के बर्तनों का त्याग करना चाहिए, उसके स्थान पर अन्य धातु के पात्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने वाले मनुष्य को दीर्घायु जीवन एवं जीवन के अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। कमल के पत्ते में भोजन करने वाले मनुष्य को नरक नहीं देखना पड़ता। चतुर्मास में भूमि पर शयन करने वाले मनुष्य विमान प्राप्त करता है एवं 10,000 वर्षों तक उसे रोग नहीं सताते। वह मनुष्य बहुत से पुत्र एवं धन से युक्त होता है, उसे कभी कोढ़ की बीमारी नहीं होती। चतुर्मास में जो मनुष्य नीले एवं काले रंग के वस्त्रों का त्याग करता है, वह निरोगी जीवन जीते हुए अंत में सूर्यलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य रविवार को स्नान करने एवं वस्त्र धोने के लिए क्षार का प्रयोग करते हैं, वे क्षार कुंड नामक नरक में जाते हैं। इसलिए चतुर्मास में ऐसा नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में अनार, नींबू एवं नारियल का प्रयोग भी निषिद्ध है। चौमासे का व्रत संकल्प करने वाले व्रती को भूमि पर शयन करना चाहिए, मौन होकर भोजन करना चाहिए एवं पर्व कालों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पर्व काल जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं संक्रांति, पर्व कालों में ब्रह्मचर्य धारण करने से अनेक सिद्धियों एवं सुखों की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में प्रत्येक मनुष्य को आषाढ़ मास में बेल का, सावन मास में पत्तेदार सब्जी एवं दूध का, भादो मास में मही का एवं कार्तिक मास में दही का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय एवं देव पूजन किया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है। पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए व्रती को देवउठनी एकादशी के दिन व्रत का उद्यापन एवं संकल्प से त्यागी गई वस्तु का दान करना चाहिए। यह उपदेश कर महादेव जी नारद जी से बोले, हे देवर्षि, देव शनि एकादशी से
देव उठनी एकादशी तक इस चतुर्मास के अंतराल में जो भी मनुष्य इन नियमों का पालन करते हैं वे अनंत पुण्य फल को प्राप्त कर श्री हरि के धाम जाते हैं एवं मुझे ऐसे मनुष्य अत्यंत प्रिय होते हैं। जय श्री राम।